नमः शिवाय। चैत्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि प्रातः 7 बजे तक बनी रहेगी, इसलिए आज भी अष्टमी की उदय तिथि मानी जाएगी। शनिवार मूल नक्षत्र धनु राशि में चंद्रमा आज रहेंगे। मूल नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी केतु हैं और धनु राशि के राशि स्वामी बृहस्पति देव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, सुखी, धनी, बुद्धिमान, ईमानदार और बोलने में चतुर होते हैं। यह सलाहकार, नेतृत्व करने की क्षमता और अनुशासन प्रिय भी होते हैं। कानून और नियमों का पालन करने वाले, दृढ़ निश्चयी और विश्वासपात्र भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, केतु और बृहस्पति की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। ऐसे जातकों का 27 दिन बाद फिर इसी नक्षत्र में गंड मूल शांति करानी चाहिए। आज की ग्रह स्थिति में शनि, मंगल और चंद्रमा तीनों का संयोग धनु राशि में लगभग 2.5 दिन तक चलता रहेगा। इसमें सभी व्यक्तियों को चाहिए कि वाणी, संयम और धैर्य से काम लें और माहौल को तनावपूर्ण स्थितियों में ना आने दें। पारिवारिक या सामाजिक दायरे में भी तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो सकती है, जिसमें कलह, वाद विवाद, झगड़ा झंझट, आगजनी इत्यादि अप्रत्याशित और अप्रिय घटनाएं संभावित हैं। मेष राशि वाले जातक अपनी कार्य योजनाओं को ईमानदारी से निपटाते जाएं, अपने इष्ट देव की आराधना करें। लोगों का ध्यान आपकी गलतियों पर हो सकता है, इसलिए धैर्य के साथ अपने काम पर ध्यान दें। खान पान से संबंधित मामलों में सावधानी बरतें। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। अच्छे कामों में व्यय संभावित है। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। वृष राशि वाले जातकों के वाणी में तीखापन बना रहेगा। आज आपको स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कार्य योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी। आर्थिक लाभ की गति सामान्य रहेगी। स्वभाव में गर्मी और उत्तेजना को नियंत्रित रखें। नई कार्य योजनाओं के लिए समय अनुकूल नहीं है। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। साझेदारी के कामकाज के लिए उचित नहीं होगा। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, साथ ही पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा। मिथुन राशि के जातकों को भी स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। शनि, चंद्रमा और मंगल की युति आपके 7वें घर में बन रही है। पेट में जलन और भारीपन की समस्या संभावित है। आपका ऊर्जा स्तर बढ़ा हुआ रहेगा। नई कार्य योजनाओं के लिए प्रेरणा मिलती रहेगी और लाभदायी अवसर प्रस्तुत होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। साझेदारी के कामों में आपके बुद्धि कौशल का इस्तेमाल लाभदायक सिद्ध होगा। संतान संबंधी शुभ समाचार से संतुष्टि मिलेगी और सामाजिक समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आपके कार्य योजनाओं में साजिश की संभावना बनती है। विरोधी पक्ष से व्यावसायिक मामलों में रुकावट या विवाद संभावित है। यदि आप नौकरी में हैं तो समय का और नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा। हालांकि आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, कुछ रुके हुए काम संपन्न होंगे। विद्यार्थियों को मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। पारिवारिक तालमेल में कमी महसूस होगी। बस आपको धैर्य के साथ शांतिपूर्वक ढंग से हर काम को निपटाना चाहिए। सिंह राशि के जातकों को अपने आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर में उतार चढ़ाव महसूस होगा। योजनाओं की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रयास अधिक करना पड़ेगा। दूर बैठे मित्र और सहयोगियों से भी लाभ की स्थिति बनी रहेगी। संबंधित लोगों से नई कार्य योजनाओं की प्रेरणा भी मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में अधिक सावधानी रखनी चाहिए। खास तौर से कमर और पेट संबंधी समस्याएं संभावित हैं। संतान संबंधी मामले में चिंता लगी रहेगी और विरोधियों से सावधानी आवश्यक है।
कन्या राशि वाले जातकों को दिन का चैन और रात का सुकून कम महसूस होगा। शांति और धैर्य के साथ नई व्यावसायिक योजनाओं की रूपरेखा सफल होगी। यदि आप सक्रिय रहे तो कार्य रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। नए निवेश के लिए समय उपयुक्त है, आर्थिक लाभ मिलता रहेगा। संबंधित योजनाओं में महिला वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी। माँ के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, अपने आहार विहार पर भी सावधानी रखनी होगी। शरीर में वायु तत्व की अधिकता संभावित है। परिवार में बुजुर्ग व्यक्तियों की सेवा अवश्य करें। तुला राशि वाले जातकों को ईश्वरीय प्रेरणा का सहयोग और शासन सत्ता की मदद लाभदायक सिद्ध होगी। आपके बढ़े हुए ऊर्जा स्तर और आत्मविश्वास से विवादित और रुके हुए काम संपन्न होंगे। आपके मेहनत के अनुरूप आर्थिक लाभ मिलता जाएगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। आय से अधिक खर्च की स्थिति संभावित है। पारिवारिक सदस्यों और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए किसी खास और महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात संभव है। अचानक आर्थिक लाभ का योग बना हुआ है। मेहनत और व्यस्तता बनी रहेगी। रुकी हुई या अधूरी योजनाएं पूरी हो सकती हैं। निवेश के लिए समय अनुकूल है, मगर निर्णय सोच समझ कर लेना होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समय अनुकूल रहेगा। आपसी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। वैवाहिक मामलों के लिए समय अनुकूल है। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कुछ चिंताएं खत्म होंगी और विवाद की स्थिति सुलझ सकती है। कुछ नई कार्य योजनाओं के लिए प्रेरणा मिलेगी। प्रयास करें, आपके मेहनत का प्रतिफल मिल सकता है। कुछ नया करने का उत्साह जारी रहेगा। लाभदायी स्थितियां बनी हुई हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक मामलों में सफलता मिलेगी और उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। मकर राशि के जातकों को अपनी योजनाओं में लाभ की स्थिति सामान्य से अच्छी रहेगी। महत्वपूर्ण फैसलों से लाभान्वित होंगे। नए निवेश का योग बना हुआ है। कई मामलों में आप भाग्यशाली सिद्ध होंगे। नई योजनाओं को कार्य रूप में परिवर्तित करें। अपने घर गृहस्थी को संवारने और सुसज्जित करने का मौका मिलेगा। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। अध्ययन अध्यापन के लिए समय अनुकूल है, मगर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। पुरानी दिक्कतों की पुनरावृत्ति संभावित है। अपने खान पान पर ध्यान दें और मानसिक परेशानी से बचें। कुंभ राशि के जातकों के लिए कोई बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो सकती है। नई और बड़ी कार्य योजनाओं में मदद मिलेगी। अपनी योजनाओं में सुधार का लाभ आपको मिलता जाएगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। भाग्यवश काम अच्छे होंगे। पुराने संबंध पुनर्जीवित होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। पेट संबंधी विकार और हड्डी संबंधी दिक्कतें संभावित हैं। मीन राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी। आर्थिक मामलों में नई योजनाएं लाभदायक होंगी। साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा। नए व्यावसायिक योजनाओं को कार्य रूप में परिवर्तित करें, लाभ मिलेगा। किसी विशेष वर्ग के मुखिया या अधिकारी की भूमिका महत्वपूर्ण मामलों में सहयोगी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत अभी करनी पड़ेगी। संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। पिता के स्वास्थ्य के प्रति चिंताजनक माहौल बनेगा। अनावश्यक वाद विवाद से बचें और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।